अब रास्ते इतने खतरनाक हो रखे हैं कि आसानी से चल नहीं सकते हैं वो लोग जो पहली पहली बार ट्रैक कर रहे हैं। जितनी यहाँ की खूबसूरती है उतने ही खतरनाक ये रास्ते भी हैं। गंदगी फैलाने पर 5,000 रुपए। ट्रैक को अगर आराम आराम से करें ना तो बहुत सारी चीजें डीपली जानने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। गाड़ियों की भीड़ देख के लगता है कि इस साल यहाँ यात्रा बड़ी जबरदस्त चलने वाली है। आपदा अपना कितना असर छोड़ के चले जाती है ना। सुबह के 7 बजने वाले हैं और आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, सामने से प्यारी सी धूप खिल चुकी है और चारों ओर धुंध लगातार लगी हुई है। बाकी अभी सुबह सुबह भगवान मध्य महेश्वर जी की डोली भी प्रस्थान कर चुकी है रांसी गांव से गोंडार गांव के लिए। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मध्य महेश्वर घाटी के रांसी गांव से। आज हमारी मध्य महेश्वर भगवान जी की डोली यात्रा का ये दूसरा दिन है। बाकी कल रात को हम रुके थे यहाँ कुल पहाड़ी दीपक बिष्ट के घर पे। दिन के 11 बज रहे हैं। अब करते हैं यहाँ से मनमेश्वर धाम के ट्रैक को शुरू। काफी लेट हो गई है ट्रैक शुरू करने में। कुल पहाड़ी के घर पे काम लगा हुआ है, घर का ऊपर से मंजिल चढ़ाने का अभी बस शुरुआत हो रही है। बाकी यहाँ पे भाई लगे हुए हैं काम करने पे और इस जगह पे ना पानी आता था लेकिन आजकल बिल्कुल सूखा हुआ है। अगले 1 महीने के बाद जब बरसात शुरू हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ पे खूब सारा पानी आता है। तो अब करते हैं इस खूबसूरत से सफर की शुरुआत रांसी गांव से। तो यह है जी रांसी गांव की एक छोटी सी मार्केट। बाकी यहाँ तक आपको आना पड़ेगा अपने व्हीकल से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। तो सबसे पहले आपको ऋषिकेश से सीधे बस पकड़नी है उखीमठ की। उखीमठ के बाद रांची की गाड़ियां मिल जाएंगी दिन भर। अब रांची गांव में भी आपको रहने खाने की पूरी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। बहुत सारे होम स्टे और लॉज यहां पे बने हुए हैं। रांसी गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर तक हम अपना व्हीकल ले आ सकते हैं। बाकी अब यहां से पैदल रास्ता है। अभी आगे गोंडार गांव के लिए रोड तो कट रही है लेकिन उस पर अभी लगातार काम जारी है। हमको पैदल रास्तों से ही आगे को बढ़ना पड़ेगा। और आज यहां गाड़ियों की भीड़ देख के लगता है कि इस साल यहां यात्रा बड़ी जबरदस्त चलने वाली है। खूब सारे श्रद्धालु आएंगे दर्शन करने के लिए भगवान जी के। बाकी पुराना पैदल मार्ग यहां से था लेकिन अभी ऊपर रोड कटने की वजह से नीचे पूरा मलबा चले गया है, तो शायद कुछ जुगाड़ करा हुआ है रास्ते का। देखिए जी, ये हमारे पहाड़ों की एक परंपरा है कि जैसे ही भगवान मध्यमेश्वर जी की डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ से प्रस्थान करती है मध्यमेश्वर धाम के लिए और जिन जिन गांवों से होते हुए आगे को बढ़ती है तो उन गांवों की सीमा पे एक पूजा होती है उसी दिन। उसको बोलते हैं कि सारू पूजन, मतलब सारू पूजन होता है। अब ये चीजें इसलिए होती हैं कि भगवान जी के साथ पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी जरूर से रहती है, तो उन सभी का पूजन बहुत जरूरी है गांव की रक्षा के लिए। गोंडार गांव तक रोड कटिंग का काम लगातार जारी है। उम्मीद है जल्दी से वहाँ सड़क चले जाएगी और वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी सुविधाएँ हो जाएगी सड़क जाने से, नहीं तो उनको डेली रांसी गांव तक आने के लिए 5-6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। बाकी आगे बढ़ते हुए यहाँ पे लग गया है सभी यात्रियों का जाम क्योंकि यहाँ से रास्ता पूरा ढलान का है। तो यहाँ पे आसान नहीं है उन लोगों को चलना जो कि ट्रैक नहीं करते हैं। यहीं पे अंतर दिखता है जो पहाड़ में काम करते हैं और जिनका काम डेली पहाड़ों से रहता है, मतलब डेली का आने जाने का रास्ता हमारा यही है। जो पहली बार आते हैं उनके लिए चलने में बड़ी दिक्कतें रहती हैं ऐसे में। अब रास्ते में खूब सारी हिस्सूल लगी है जंगली बेरी, लेकिन हमारे यहाँ बोलते हैं जैसे भगवान मध्यमेश्वर जी की डोली अपने धाम के लिए प्रस्थान करती है तो इन सब चीज़ों को नहीं खाते हैं। हमारे पूर्वज बोलते थे शायद उस समय पे कुछ बीमारियां होती थी या फिर सांप के डर से छोटे बच्चों को डराने के लिए ये सब बोलते थे। खैर जो भी हो, अब रास्ते इतने खतरनाक हो रखे हैं कि आसानी से चल नहीं सकते हैं वो लोग जो पहली पहली बार ट्रैक कर रहे हैं। आराम से यहाँ पे रखिए, इस पैर की तरह रखिए, हमारे हाथ पे लोड डालिए पूरा अपना। अब इस पैर को यहाँ गिर जाओगे।
ये रास्ते उन सभी लोगों के लिए बहुत मुश्किल बने हुए हैं अभी जो पहली पहली बार ट्रैक करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। बाकी ट्रैक की थकान उतरती है सामने के खूबसूरत से नज़ारे देख के, क्योंकि सामने के पहाड़ पे बहुत बड़े बड़े से झरने जिनमें की खूब सारा अभी भी पानी है, और वैसे चीड़ का जंगल और साथ में धूप की तेज, तो ऐसे में बड़ी थकान लगती है इन रास्तों पे आगे बढ़ने में। लेकिन आज का जो सफर है बस सामने गोंडार गाँव तक का है, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ऐसे में पूरे रास्ते भर में बहुत सारी छिपकलियाँ दिखाई देंगी इन बड़ी बड़ी चट्टानों पे जो की धूप सेकने के लिए बाहर आए रहते हैं। उनसे डर तो लगता है लेकिन उनसे छेड़ेंगे नहीं, तो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं वो। तो किसी ने ये बिल्कुल सही लिखा है, सुंदर प्रकृति में ईश्वर का वास होता है। मतलब कि ट्रैक करने के लिए आइए, भगवान जी के दर्शनों के लिए आइए, लेकिन यहाँ इस जगह को स्वच्छ रखिए, सुंदर रखिए, तभी तो यहाँ हमें भगवान जी के साक्षात दर्शन हो पाएंगे। पर इस ट्रैक पे आते हुए बड़ी सावधानी से चलें, क्योंकि नीचे बड़ी सी खाई है और ऐसे में बहुत डर रहता है ट्रैक पे चलते हुए। बाकी आगे बढ़ते हुए यहाँ पे मिली है प्रीति। प्रीति कैसा लग रहा है, फर्स्ट टाइम? बहुत बढ़िया। थकान तो नहीं लग रही? दीदी और प्रीति का ये फर्स्ट टाइम है मधुमेश्वर धाम का ट्रैक। बाकी सुष्मिता भी पहली बार आई है इस रूट पे। हम तो आते जाते रहते हैं, हमको तो नॉर्मल सा लग रहा है भाई, क्या ही बोले। मेरे को भी बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ ना, बिल्कुल शांति वाला माहौल है। मतलब ऐसे घोड़े खच्चर कुछ कुछ ही दिखाई दे रहे हैं, पर ऐसा है समय बदलते देर नहीं लगती है। क्या पता कभी यहाँ भी बहुत भीड़ बढ़ जाए। पाँच छह सालों में, 5 या 10 सालों में तो हो ही जाएगा बिल्कुल। क्या हाल है भाई? भाई ठीक ठाक, बढ़िया। पूरे रास्ते बने बहुत जगहों पे शॉर्टकट बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ से सीधे नीचे आसानी से जा सकते हैं, लेकिन यहाँ चीड़ के पेड़ हैं जिनसे कि आजकल उनकी पत्तियाँ नीचे झड़ी हुई हैं, उनमें रहती है बहुत भयंकर वाली फिसलन, तो बिल्कुल भी ये शॉर्टकट ट्राई न करें आजकल। जितनी यहाँ की खूबसूरती है उतने ही खतरनाक ये रास्ते भी हैं, लेकिन अगर आप सावधानी से चलेंगे तो कोई भी मुश्किल नहीं है इस ट्रैक में। सोचिए यहाँ के लोकल लोगों के लिए ये डेली के रास्ते हैं, और जो लोग पहली पहली बार आते हैं उनके लिए ये पूरा ट्रैक है वो भी मीडियम लेवल का। इस ट्रैक में इतना शांत सा माहौल है ना, चारों ओर सिर्फ झिंगुर और कीट पतंगों की आवाज़ें आ रही हैं, और शांति पसंद करने वालों के लिए ये ट्रैक सबसे बढ़िया है भाई। बाकी यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बहुत सारे यहाँ पे कुछ नियम लिखे हुए हैं जिनका उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं करना है। उल्लंघन करने पे जुर्माना भी आपको पड़ सकता है। बाकी दीदी लोग देखिए ठीक सामने दूसरी तरफ पहुँच चुके हैं पहाड़ के, हम उनसे कम से कम 1.5-2 किलोमीटर दूर हैं अभी। पूरे रास्ते भर में ऐसे रिंगाल की बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, और रिंगाल पहाड़ों में बड़े काम आता है, बहुत सारी चीज़ें इनसे बनती हैं, और कई लोगों का रोज़गार भी बस इनसे ही चलता है। आगे बढ़ते हुए अभी पहुंचे हैं भीमसी, इस जगह का नाम है यहाँ पे भीमसी का वाटरफॉल। बाकी इसमें ना नहाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये बहुत गहरा है और मानसून के टाइम पे तो यहाँ पूरा पानी भरा रहता है इस जगह पे। अब ऐसी जगहों पे आके लगता है ना बस बैठे रहें दिन भर, मस्त में से नेचर के साउंड को एंजॉय करते रहें। आपका नाम क्या है? रुद्रा। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं गांधीनगर से। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं इतने हुआ। अच्छा, फैमिली के साथ आए हैं? उधर है। अच्छा, कभी इससे पहले ट्रैक किया आपने? आपका नाम? सोहा। अच्छा, कहाँ से हैं? हम नोएडा से। अच्छा, नोएडा से। आपने पहले ऐसे ट्रैक किए हैं? नहीं नहीं किया, फर्स्ट टाइम। एक बार किया था पहले। कहाँ? माना विलेज। अच्छा, माना विलेज गए हैं। अपने सफ़र के साथ ही सभी आगे निकल पड़े हैं। मैं, प्रीति और सुष्मिता ही पीछे आ रहे हैं आराम से, क्योंकि कुछ यात्रियों को हाथ पकड़ के आगे ले जा रहे थे। खैर, जिम्मेदारी थी वो पूरी करनी थी, और थोड़ा सीधा रास्ता लग गया है, वो आसानी से आ सकते हैं अभी।
रास्ते में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, प्रीति ठंडी हवा का आनंद ले रही है मस्त मजे से। अब ऐसी जगहों पर रुक के जरा रेस्ट करने का तो मजा ही कुछ अलग है। नीचे नदी की तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ऊंचे ऊंचे से चीड़ के पेड़ और चारों ओर बस प्रकृति का शोर, बड़ा गजब का लग रहा है भाई। तो आगे बढ़ते हुए रास्ते में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं, अरे ओ सांबा कितना जुर्माना रखे हैं सरकार, गंदगी फैलाने पर 5,000 रुपये, पूरे 5,000। और इसलिए गंदगी ना फैलाएं। ओके, मैं हमें तो सारा बैग में रखा है। ट्रैक को अगर आराम आराम से करें ना तो बहुत सारी चीज़ें डीपली जानने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। हम अभी ना आराम से नेचर को इंजॉय करते करते आगे को बढ़ रहे हैं। पता है हमें सिर्फ गोंडार गांव तक ही जाना है आज, बाकी जगह जगह पे ऐसे बिसौर सी बना रखी हैं इन पत्थरों की जहाँ पे रुक सकते हैं। और ये पूरे रास्ते भर में छिपकलियों को देख के डर रहे। छिपकली भी इतनी छोटी छोटी हो तो अलग बात है, इतने मोटे मोटे और वो पाँव में आ रहे। पूरे रास्ते भर में पर्यावरण को बचाने से संबंधित बहुत सारे कोट्स लिखे हुए हैं, तो इन सब चीज़ों का पालन भी जरूर से करें और इन सब चीज़ों को शेयर भी जरूर कीजिए। बाकी यहाँ पे एक बड़ी सी चट्टान के नीचे से देखिए कुछ सेट टाइप का बना हुआ है। बाकी यहाँ पे अपने दोस्त के होटल का कार्ड मिला है, नीचे गिरा हुआ, शायद किसी से गिर गया होगा। इस जगह पे आके लगता है कि आपदा अपना कितना असर छोड़ के चले जाती है ना। चारों ओर देखिए नदी ने अपना प्रकोप छोड़ा हुआ है पिछली बरसात का, इतने बड़े बड़े से पत्थर आते हैं पूरी नदी में बह के, और उस समय तो जो जल स्तर है नदी का बहुत ही बढ़ जाता है। आजकल फिर भी नॉर्मल है। भैया ये इतने बड़े बड़े पत्थर कहाँ से आते होंगे यार? पहाड़ों से। अभी आसपास गांव वालों के मवेशी हैं जो कि मस्त में से चरने के लिए यहाँ आए हुए हैं, बस गोंडार गांव में एंटर करने ही वाले हैं। तो फाइनली एंटर कर चुके हैं गोंडार गांव में। थंडरिंग भी हो रही है, मौसम गड़बड़ भी हो सकता है। बाकी आते ही यहाँ पे सीधे गर्मा गर्म चाय मिल गई है। हमारे साथ के सफर के साथी हमसे लगभग 1 घंटा आगे चल रहे थे सभी। अब आज रुकने की व्यवस्था यहाँ पे इस वाले होटल में करी हुई है। प्रीति जैसे ही गोंडार गांव में पहुंची सीधे लग गई एडिटिंग के काम पे। अरे मैं अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हूँ। बाकी धीरे धीरे हवाएं भी चलने लगी हैं, अब बस आराम करते हैं, कुछ खा भी लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बाकी आज की हमारी रुकने की व्यवस्था यहाँ पे इन रूम में हुई है, 2 कमरे हैं और यहाँ से प्यारी सी हवाएं चल रही हैं नीचे नदी की तरफ से। गोंडार गांव मधमेश्वर घाटी का एक खूबसूरत सा गांव है और कुछ समय पहले तक यहां बिजली की व्यवस्था तक भी नहीं थी। जब मैं पहली बार यहां आया था ना तो यहां सिर्फ सोलर पैनल से काम चलाया जाता था। पर एक चीज है, यहां के लोगों ने ना इन पुराने जमाने के घरों को अच्छे से संजो के रखा हुआ है। 3-3 मंजिला घर है, सोचे उस जमाने में कैसे घर बनाए होंगे, वो भी इतने दूरस्थ इलाके में जहाँ तक रोड की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी। अभी भी रोड कम से कम यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर तक ही आई है। धीरे धीरे जैसे भगवान मधमेश्वर जी की यात्रा बढ़ती है तो गांव वालों का रोजगार भी इन्हीं सब चीजों पे धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तो लोगों ने अपने घरों को होम स्टे में कन्वर्ट किया है, किसी ने छोटे छोटे होटल बना दिए हैं, यात्रियों के रुकने और खाने की व्यवस्थाएं करी हैं पूरे रास्ते भर में। बाकी गांव के ठीक नीचे पे है बूढ़ा मधमेश्वर भगवान जी का मंदिर, तो डोली आज आते ही सबसे पहले वहां पे गई होगी। अब नेटवर्क की बात की जाए तो जियो एयरटेल पे थोड़ा थोड़ा सिग्नल तो आ रहे हैं, कहीं पे इंटरनेट भी चलता है, कॉल भी हो जाती है। बाकी इनके रहने की व्यवस्था भी हो चुकी है। तो कैसा लगा पहली बार मधमेश्वर घाटी के गांवों में घूम के? बहुत अच्छा लगा और गोंडार गांव बहुत सुंदर है और रासी गांव से मुझे लगता था बहुत दूर है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों के होम स्टे देखकर तो मैं बहुत खुश हो गई। काफी अच्छा भी है, टूरिस्ट आ रहे हैं, लोगों के घर पे रुक रहे हैं और यहाँ के लोग ना बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं यात्रियों को। पूरे वीडियो देख चुकी हो
पहले गए साल का भी देखी हूँ। अच्छा, होली के साथ आए थे। तो चले जी, पहाड़ी स्पेशल लंच भी आ चुका है, चौसा भात और पापड़। पूरे दिन भर की थकान के बाद स्वादिष्ट सा चौसा भात मिल जाए तो इसकी तो बात ही कुछ अलग है। बाकी नंदीकुंड ट्रैक के दौरान भी हमने हर दिन शाम को चौसा भात बनाया था, मतलब उससे बिछन नहीं आती है, आदमी हर दिन खा सकता है आसानी से। तो चले जी, लंच भी हो चुका है, बाकी बारिश भी शुरू हो गई है, बस अब आराम करते हैं। शाम हो चुकी है, थोड़ी देर में बस अंधेरा होने ही वाला है। बाकी प्रीति यहाँ पे लगी है वीडियो अपलोडिंग के काम पे, नेटवर्क आ रहा है यहाँ पे देखो बहुत कम, मतलब बहुत मुश्किल है वीडियो अपलोड होना। अभी ऐसे गांव में हैं जहाँ नेटवर्क बहुत कम है, बस कॉल हो रही हैं लेकिन इंटरनेट बड़ा कम चल रहा है किसी किसी जगह पे ही। चलो जी, शाम की आरती भी हुई कंप्लीट। बाकी गांव के लोगों के द्वारा अर्घ लगाया जाता है, मतलब कि हर घर से दिया आता है वहाँ पे भगवान जी के पूजन के लिए, और वो दिया वहाँ से जल के सीधे घर तक ले जाना पड़ता है। बाकी अब आज की इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देव भूमि उत्तराखंड, हर हर महादेव।